गोरखपुर रेंज के चारों जिलों में पासपोर्ट सत्यापन में धन उगाही और लापरवाही करने वाले 70 पुलिसकर्मियों पर डीआईजी कार्यालय द्वारा कार्यवाही की गई। डीआईजी कार्यालय से लिए गए फीडबैक में सामने आया कि गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज जिले के कुल 70 पुलिसकर्मियों ने पासपोर्ट सत्यापन में मनमानी की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए 7 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीआईजी रेंज आनंद कुलकर्णी ने बताया, पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर कई शिकायतें अक्सर प्राप्त होती है और इसमें पुलिसकर्मियों के व्यवहार के बारे में भी शिकायतें होती है, और इस उद्देश्य से रेंज ऑफिस के द्वारा एक सेल स्थापित किया गया है। इस सेल के माध्यम से सभी जनपदों से पासपोर्ट वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई हुई है उसमें एक फीडबैक प्राप्त किया जाता है। उस फीडबैक में जो शिकायतें प्राप्त होती है उनको वेरिफिकेशन के लिए संबंधित जनपदों को भेजा जाता है। संबंधित जनपदों के द्वारा उन शिकायतों का सत्यापन करने के बाद जिनमें वास्तविक रूप से कर्मचारियों का संलिप्तता या दोष पाया जाता है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और कई प्रकरणों में चेतावनी भी दी जाती है। तो निरंतर रूप से ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पिछले कुछ महीनों में जो यहाँ पर शिकायतें प्राप्त होती थी उसकी संख्या में बहुत कमी आई है। लगभग 10 गुना 10 टाइम्स इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब 10 टाइम्स शिकायतों की संख्या कम हुई है। पहले जो परसेंटेज 10% के आसपास था वो अब 1% से भी कम शिकायतों का परसेंटेज रहा है। और इस दरमियान कुछ कर्मचारियों को दंडात्मक कार्रवाई भी करनी पड़ी, जिसमें 21 कर्मचारियों को कुछ माइनर पनिशमेंट्स दिए गए हैं, 17 कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है और 5 कर्मचारी जिनके गंभीर रूप से दोषी पाए गए थे उनके खिलाफ निलंबन की भी कार्रवाई की गई है। इसके फलस्वरूप जो पुलिस का जो सर्विस डिलीवरी है उसमें सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो नंबर ऑफ शिकायतें हैं जो हम सैंपल साइज पे लेते हैं उसकी संख्या भी बहुत कम हुई है, और जो ये व्यापार में सुधार आया है इसका पूरा श्रेय सभी जनपदों की पुलिस को भी जाता है और संबंधित जनपदों के एसपी के भी जाता है, क्योंकि संबंधित थानों के संबंधित जनपदों के पुलिस अधीक्षकों के द्वारा जो निरंतर प्रयास किए हैं, अपने कर्मचारियों का काउंसलिंग किया है, इसके फलस्वरूप ये सुधार हुआ है। अच्छा सर, प्रायः देखा गया कि उच्च अधिकारियों द्वारा हमेशा ये निर्देशित किया जाता है कि जो भी फरियादी है उनसे जो भी पुलिस अधिकारी अच्छा व्यवहार करें, मगर इस तरह की शिकायतें भी आ रही कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। सर ये जैसा मैंने अभी कहा ना कि इसका उद्देश्य वही था कि एक फीडबैक प्राप्त करके एक क्रॉस चेक किया जा रहा है कि वास्तविक रूप से व्यवहार पुलिस का अच्छा है या नहीं है, और इसी के फलस्वरूप ये इम्प्रूवमेंट हुई है कि जो नंबर ऑफ शिकायतें हैं उनमें लगभग 10 टाइम्स रिडक्शन हुआ है। ये एक अपने में अच्छी अचीवमेंट है।